व्हाइट टाइग्रेस शिवानी नाम की थी, उसने दो बच्चों को जन्म दिया और चूंकि जैसा उसका कैरेक्टर था पिछली बार भी उसने इस तरह की हरकत की थी अपने बच्चों के साथ, और इस बार हम लोगों ने प्रिकॉशनरी तौर पर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरा भी लगा दिए हैं, और सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद हम लोगों ने पूरा उसके ऊपर निगरानी रखी, ऑब्जर्वेशन में रखा उसको, और जिसका संशय था वही बात हुई कि उसने अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने बच्चों के पास बिल्कुल नहीं जा रही थी, और जो बच्चों को जो पीरियड रहता उनको दूध पिलाने का, उस पीरियड में उसने बच्चों को दूध नहीं पिलाया उसने। इंतज़ार करने के बाद फिर हम लोगों ने निर्णय लिया कि इस स्थिति में बच्चों को आइसोलेट करना ही ज़्यादा उचित होगा, हमने उनको आइसोलेट किया बच्चों को, जिसमें एक बच्चा काफ़ी कमज़ोर था, काफ़ी वीक था, उसकी डेथ रात को ही हो गई, लेकिन एक बच्चा काफ़ी ठीक था, उसको हम लोगों ने फिर स्पेशल केयर में रखा, उसको इंटेंसिव केयर में लिया हम लोगों ने, उसकी रात को हम लोगों ने मिल्किंग कराई, कुछ मेडिकेटेड मिल्क था वो दिया हमने उसके लिए, फिर रात को हमने बीच की व्यवस्था करी, और बीच ने भी अच्छा उसका एस्पेक्ट ये रहा कि बीच ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और उसको प्रॉपर जिस तरह मिल्किंग कराना चाहिए उस तरह बीच भी उसको जो डालमेशियन नस्ल की जिमी नाम की जो एक बीच हमें मिली उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। फिलहाल वो बच्चा स्वस्थ है, और जो मादा कुतिया के साथ जो दूसरे बच्चे उनके साथ वो भी दूध पी रहा है। तो इस तरह का स्टेप में उसने ये वाला स्टेप लिया कि उसने बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, बच्चों को मिल्किंग नहीं करा, इसलिए हम लोगों को उसको आइसोलेट करना पड़ा, और आइसोलेट करने के बाद ही हम लोगों ने हॉस्पिटल लेके आया, उसके हम लोग फिर अब हैंड रेयरिंग जिस तरह हम लोग लक्की की केयरिंग करी इसी तरह अब हम लोग इसकी केयरिंग करेंगे।